हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, टायर्स से रिलेटेड पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप टायर्स पे लिखे नंबर से ये जान सकते हो कि टायर कितना चौड़ा है, कितना उसका हाइट है। अब उन्हीं टायर्स में चार नंबर ऐसे लिखे हुए होते हैं जिनसे आप ये जान सकते हो कि टायर किस साल में मैन्युफैक्चर हुआ है, उस साल के किस महीने में मैन्युफैक्चर हुआ है। यहाँ तक आप ये भी जान सकते हो कि उस साल के किस वीक में मैन्युफैक्चर हुआ है। और यही मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए आइए कुछ सीखते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि फ्रंट टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो देखिएगा, आप हर एक टायर में आपको चार इस तरह का डिजिट दिखाई देगा, तो आपको इन चार जो नंबर है, जो चार डिजिट है, इनसे ही हमें पता चलने वाला है कि ये टायर किस साल और किस महीने में मैन्युफैक्चर हुआ है। अब सिंपली करना ये है हमें कि ये जो चार नंबर है इसे दो अलग अलग नंबर में डिवाइड कर देना है, यानी कि 19 अलग नंबर है और 16 अलग नंबर है। सबसे पहले हम लोग आखिरी के दो नंबर की बात करें, तो इस 16 का मतलब ये हुआ कि ये जो टायर है वो 2016 में मैन्युफैक्चर हुआ है। और उसके जस्ट बगल में जो आप 19 देख रहे हो, 19, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टायर है वो 2016 के 19वें वीक, 19वें सप्ताह में मैन्युफैक्चर हुआ है। और 19वें सप्ताह का मतलब ये हो गया कि ये जो टायर है वो मई 2016 में मैन्युफैक्चर हुआ है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे का टायर में उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें क्या दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देख सकते हो 18 और 16 दो अलग अलग नंबर हो गए। 16 का मतलब हो गया 2016 और 18 का मतलब हो गया ये भी जो टायर है वो मई में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट आसानी से निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगली बार जब आप अपने गाड़ी के लिए टायर खरीदने की सोचो तो आप ये जज कर पाओगे कि टायर कितना पुराना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।